चैनल पर 1000 आसान लोन आईपीओ यानी कि एमके फिन ट्रेड लिमिटेड आईपीओ की ओपनिंग 19 जून वेडनेसडे से होने जा रही है। क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसकी जीएमपी क्या चल रही है, अनलिस्टेड मार्केट में अपने निवेशकों को कितना बेनिफिट दे रही है, इसकी बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, इन सारे टॉपिक को हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उस पर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। हम लोग इस सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंट डेट जान लेते हैं आसान लोन आईपीओ की। ये आईपीओ 19 जून वेडनेसडे से ओपन होगा, इसकी क्लोजिंग 21 जून फ्राइडे को है, अलॉटमेंट 24 जून मंडे को है, रिफंड डेट 25 जून ट्यूजडे को है, क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमैट अकाउंट ट्यूजडे 25 जून, लिस्टिंग वेडनेसडे 26 जून की इसकी लिस्टिंग है। फेस वैल्यू इस आईपीओ की ₹10 पर शेयर, प्राइस बैंड 114 से ₹120 पर शेयर, लॉट साइज 125 शेयर की है, टोटल इशू साइज 132 करोड़ की है, फेस इशू 132 करोड़ की है, इसकी लिस्टिंग एनएससी बीएससी दोनों जगहों पर होगी। इस आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रिजर्वेशन किया गया है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए 50% का एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% का रिजर्वेशन किया गया है। आसान लोन आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि ₹15,000 है एंड रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि ₹1,95,000 है। एसएचएनए कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि ₹2,10,000 है। एसएचएनए कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि ₹9,90,000 है। बीएचएनए कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की राशि ₹10,05,000। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखे तो बहुत ही निराशाजनक दिख रही है। 2021 में 16.31 करोड़ के प्रॉफिट पर था जो कि 2022 में 4.12 करोड़ के प्रॉफिट पर आ गया, सीधे 12 करोड़ का यहां पर लॉस हो गया, 16 करोड़ से 4 करोड़ के प्रॉफिट पर आ गया, तो काफी तेजी से इसके इसे लॉस हुआ है। एंड 2023 में इसकी प्रॉफिट अगेन बढ़ करके 15.80 करोड़ हो गई, लगभग जो 21 में था उसके आसपास, लेकिन 9 महीने के अंदर इसकी प्रॉफिट में फिर से यहाँ पर इस ए लॉस में चला गया और ए 12.25 करोड़ के ही प्रॉफिट पर बचा। अगर 21 के मुकाबले में देखें तो अभी भी ए 4 करोड़ के लगभग लॉस में ही चल रहा है और ए 16 से 12 करोड़ के प्रॉफिट पर आया है, तो अभी भी ए 4 करोड़ के माइनस में ही चल रहा है 21 के मुकाबले। फिलहाल ये 12.25 करोड़ के प्रॉफिट पर है। इसकी रेवेन्यू 86.79 करोड़ 2021 में थी जो धीरे धीरे घट करके अभी ये 31 दिसंबर 2023 में 53.45 करोड़ पर आ गए। यहाँ पर भी इसमें इसकी रेवेन्यू में भी गिरावट दर्ज हुई है, लगभग ये 33 करोड़ के 33 करोड़ की इसमें गिरावट दर्ज हुई है, 86 से 53 करोड़ पर आ गई है। एसेट इसका 455.40 करोड़ था 2021 में जो यहाँ पर घटता हुआ दिखा, 22 में 374 पर भी गया, फिर 23 में 31 मार्च तक ये 390 करोड़ पर पहुंचा एंड 31 दिसंबर तक ये 417.96 करोड़ पर पहुंचा, तो अभी भी 21 के मुकाबले इसमें अभी भी ये नीचे ही है। 455 करोड़ था, 455.40 करोड़ 21 में था एंड 2023 में 31 दिसंबर तक 417.96 करोड़ रहे थे, 21 के मुकाबले अभी भी इसमें प्रॉफिट रेवेन्यू एंड एसेट में अभी भी ये काफी नीचे चल रही है 2021 के मुकाबले में। तो 4 साल के अंदर ये अभी जो यहाँ पर शुरुआत में 21 में जो इसके पास प्रॉफिट रेवेन्यू एंड एसेट थे उसके मुकाबले अभी भी ये उससे नीचे ही चल रही है। नेटवर्थ 2021 में 130.26 करोड़ थे जो धीरे धीरे ग्रो करके 217.01 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 108.45 करोड़ थी जो धीरे धीरे ग्रो करके 185.34 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। टोटल ग्रोइंग 2021 में 317.82 करोड़ थी जो अभी 195.19 करोड़ पर पहुंच चुके थे, इसमें कमी नजर आया एंड यहां पर देखें तो रिजर्व एंड सरप्लस एंड नेटवर्थ में वृद्धि देखने के लिए मिला। बाकी यहाँ पर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट रेवेन्यू
एसेट में अभी भी 21 के मुकाबले काफी नीचे चल रहा है, तो फाइनेंशियल स्थिति इसकी थोड़ा सा दयनीय है। अगर मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसमें 10 में से 4 रेटिंग देना चाहूंगी, क्योंकि इसकी स्थिति फाइनेंशियली दिन पर दिन बदतर होते जा रहा है। अभी आरओई रिटर्न ऑफ इक्विटी 5.64% है, डेब्ट पर इक्विटी 2.49 है, जो कि यहाँ पर निवेशकों को लिस्टिंग गेन में काफी इम्पैक्ट पहुंचा सकती है। डेब्ट पर इक्विटी रेशियो बहुत ही ज्यादा है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 5.81% है, पैट मार्जिन 22.93 है, पीई यहाँ पर पीई नहीं है, ईपीएस है जो कि 3.87 है। तो फाइनेंशियल इसकी स्थिति थोड़ा सा खराब होते हुए देखते हैं। बिजनेस की बात करें तो 1996 की स्थापित एमके फिन ट्रेड इंडिया लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जो 20 वर्षों का यानी कि लगभग 2 दशक का इसके पास एक्सपीरियंस है, और ये रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया में लोन प्रोवाइड कराती है, लोन देने का काम करती है। एक ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में व्हीकल्स फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस, छोटे स्मॉल बिजनेस के लिए बिजनेस फाइनेंस की सर्विस देती है, यानी कि बिजनेस लोन भी देती है एंड वाहन खरीदने के लिए भी लोन देती है, और ये ग्रामीण एंड अर्ध शहरी क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस करती है। ये इंडिया की लगभग 4 स्टेट में ये अपना व्यापार को फैला रखा है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। इसकी जो कॉर्पोरेट ऑफिस है मुंबई महाराष्ट्र में है, एंड रजिस्टर ऑफिस उदयपुर राजस्थान में है। इसके पास 12 ब्रांच है एंड 25 पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, एंड इसके पास 2 लाख कस्टमर है। अभी तक इसने 2 लाख कस्टमरों को सर्विस प्रदान कर चुका है। तो बिजनेस अच्छा दिख रहा है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ये लोन देने का काम करती है, लोन प्रोवाइडर कंपनी है। हिंदुस्तान के इंडिया की 4 राज्यों में इसकी उपस्थिति है, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। 12 ब्रांच ए रन करती है, 25 इसके पास पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है, 2 लाख कस्टमरों को ये सर्विस प्रदान कर चुकी है। ये बिजनेस लोन और व्हीकल्स लोन प्रोवाइड करती है। व्हीकल्स लोन में 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर जैसे कि स्कूटर, मोटरसाइकिल एंड ऑटो, रिक्शा इत्यादि इसके जो व्हीकल्स लोन है उसके अंतर्गत आते हैं, जो इन सारी चीजों को खरीदना चाहते हैं तो इसके बेस पर लोन ले सकते हैं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। तो इसकी बिजनेस ठीक ठाक दिख रही है, बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस अच्छा कर रही है। फाइनेंशियल स्थिति इसकी खराब होते हुए दिख रही है, 4 साल के अंदर में इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है बहुत ही निराशाजनक है। तो ये बड़ी निगेटिव पॉइंट है। इसमें डेब्ट पर इक्विटी रेशियो बहुत ही ज्यादा है, 2.49 है, तो ये बहुत ही ज्यादा है। फाइनेंशियल इसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब दिख रही है। किसी भी बिजनेस में अप्लाई करने से पहले 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट जरूर देखें, बिजनेस, फाइनेंशियल एंड जीएमपी। बिजनेस अच्छा हो तो जीएमपी कम रहता है, तो बाद में अच्छा रिटर्न्स मिल जाता है। फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, ये बहुत ही अहम रोल रखता है आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो फाइनेंशियल इसकी स्थिति खराब है, इसकी फाइनेंशियल स्थिति 4 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन नहीं है फाइनेंशियली ये वीक दिख रहा है, ये एक बड़ी निगेटिव पॉइंट है। बाकी इसके जो कंपटीटर है मास फाइनेंस सर्विस लिमिटेड, श्री राम फाइनेंस लिमिटेड, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल कंपनी, अरमान फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, सीएसएल फाइनेंस लिमिटेड। इन सब में देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिटर्न ऑफ नेटवर्थ अरमान फाइनेंशियल सर्विस के जो 25.65% है, और सबसे कम एमके फिन ट्रेड इंडिया लिमिटेड की, इसकी रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 7.72 है। तो अपने कंपटीटर से रिटर्न ऑफ नेटवर्थ के मामले में पीछे है, जैसा कि इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से पता चल रहा है। 4 साल के अंदर में इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक दिख रही है। अब हम लोग इसकी जीएमपी देखें तो इसकी जीएमपी की ओपनिंग 14 जून को 4.17% प्रीमियम के साथ हो चुकी है। इस आईपीओ की ओपनिंग 19 जून को होने वाली है,
जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ेगा जीएमपी बढ़ेगी। फाइनेंशियली ठीक नहीं है इसकी स्थिति, बिजनेस अच्छा कर रही है, फाइनेंशियली वीक है। फाइनेंशियली वीक होने की वजह से निवेशक इसमें इन्वेस्ट करने से अपना हाथ पीछे खींचेंगे। थोड़ा सा रिस्की आईपीओ साबित हो सकती है, इसमें रिस्क हो सकता है। ये लिस्टिंग गेन में बहुत ही कम लिस्टिंग गेन या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट में लिस्टिंग गेन देने वाला, लेकिन हाँ बाद में ये अच्छा रिटर्न्स दे सकता है बना करके, क्योंकि इसके जो कंपटीटर है बाद में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। जैसे एमएफएसएल को ले लीजिए, अभी ये 1100 का भी हाई लगा चुका है और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अभी भी कर रही है। श्री राम फाइनेंस को देखें तो ये भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, अपने निवेशकों को लगातार अच्छा बेनिफिट दे रहा है। यहाँ पर हायर हाई फॉर्मेशन बनाते जा रहा है, देख सकते हैं हायर हाई फॉर्मेशन बनाते जा रहा है इसके अगेंस्ट में। और इसका जो कम्पिटिटर, सारे इसके कम्पिटिटर है जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, मे भी ये भी बाद में अच्छा रिटर्न बना करके दे सकता है। लिस्टिंग गेन पर बहुत ही कम यहाँ पर लिस्टिंग गेन मिलने वाला, बहुत ही कम यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी निवेश करने या ना करने का डिसीजन आपका होना चाहिए। निवेश करने से पहले गहरी रिसर्च एनालिसिस जरूर करें, हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइज लें, इसके बाद निवेश करने का विचार बनाएं, क्योंकि शेयर मार्केट में निवेश करना जोखिम भरा होता है और ये आईपीओ जोखिम भरा ही है। ये थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है इस आईपीओ में, इसलिए निवेश करने से पहले अपनी गहरी एनालिसिस एंड रिसर्च जरूर करें। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियर भी समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।